हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलिमा। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ऐसे है कि आज मैंने कुछ फूल तोड़ के लाए थे। जब मैं ऑफिस से वापस आती हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ है, तो वहाँ से मैंने फूल तोड़ के लाए थे और मैंने उनको कॉपी में दबा के रख दिया था कुछ दिन तक। तो जब वो सूख गए तो उससे उन फूलों से हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और प्लीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर। तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम बना लेंगे। और मैंने दोनों कॉर्नर पे ऐसे फ्लावर्स बनाए, स्केच कर लिए थे पहले ही, तो उनको ब्लैक पेन से हम ऐसे आउटलाइन कर लेंगे। आप चाहें तो चारों कॉर्नर पे बना सकते हैं, बट दो कॉर्नर पे वो ज़्यादा बैलेंस्ड लगेंगे। फोर कॉर्नर्स में भी बैलेंस ही लगेंगे, बट आई वॉन्टेड इट इन टू कॉर्नर्स। अब हम इसको ऐसे फिल कर लेंगे, लाइन लाइन से डिटेल कर लेंगे हम इसको। तो मैं एक करके दिखाऊँगी, दूसरा वाला आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको ब्लैक एंड वाइट रखने वाली थी क्योंकि हमारे फ्लावर येलो कलर के हैं तो वो इन्हेंस होंगे ज़्यादा। तो कलर फूलों में है और हमारी जो ड्राइंग है वो ब्लैक है। तो ये जो है फूल, तीन फूल है, इनको मैंने ऐसे दबा के सुखा लिया था। अब उसको मैंने ग्लू कर दिया है शीट पर। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, वो है गुड वाइब ओनली। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है, चीज़ें, वर्ड्स। तो अब मैं यहाँ पे लीफ बनाने लग गई हूँ। ये हो गया है फाइनल और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आप इसको अपने रूम पे लगा सकते, घर पे लगा सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़।